फर्रुखाबाद में आतंक का पर्याय रहे कलुआ गिरोह के सक्रिय सदस्य को न्यायालय ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा। कलुआ गिरोह के सदस्य ने 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे। कलुआ गिरोह के साथ पुलिस की 2005 में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में कलुआ गिरोह के सदस्यों ने 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा था, वहीं 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए थे। कलुआ गिरोह का सक्रिय सदस्य देवेंद्र फौजी बरेली जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। पूरा मामला फतेहगढ़ न्यायालय परिसर का है। पुलिस मुठभेड़ में जो है बदमाशों द्वारा पुलिस के साथ फायरिंग की गई थी। एक ग्राम कारब की घटना है गंगा कटरी की, तो उसमें 3 पुलिसकर्मी एक जनता का आदमी की मृत्यु हुई थी और 7 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें 3 पुलिसकर्मी और 4 ग्रामीण थे। कितने समय तक सुनवाई रही इसकी, कितना समय रहा? ये घटना एक दिनांक 11/9/2005 की है और इसमें आरोप पत्र जो आया है वो क्या नाम 3/2/2006 में आया है। इसके बाद में इस पर ये मसूरी में चार्जशीट दाखिल हुई थी देवेंद्र के खिलाफ, तो ये इस पर चार्ज जो बना है वो क्या नाम 24/11/9 में बना है इसके खिलाफ चार्ज। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।